हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी डिस्कस पाषाण काल स्टोन एज को हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये थर्ड वीडियो होगा हमारा और इसके अंतर्गत हम पाषाण काल यानी स्टोन एज को देखेंगे। अगर स्टोन एज की बात करें, पाषाण काल की बात करें, तो पाषाण काल में हम लोग देखेंगे कि पाषाण काल ही प्रागैतिहासिक काल या प्री हिस्टोरिक एज के नाम से जाना जाता है। प्रागैतिहासिक काल साक्ष्यों के आधार पर अगर हम देखें तो प्राचीन इतिहास को तीन भागों में बांटते हैं, तीन वर्गों में हम क्लासिफाई करते हैं। फर्स्टली अगर हम देखें तो साक्ष्य के आधार पर हम हिस्ट्री को तीन भागों में बांटते हैं और साक्ष्य दो प्रकार के होंगे। एक साक्ष्य होंगे रिटन यानी लिखित साक्ष्य, जैसे कि हमने देखा चाणक्य के अर्थशास्त्र में या मेगास्थनीज के इंडिका में आपको मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है, इसलिए हम कहेंगे लिखित साक्ष्यों में बुक्स या फिर कोई हैंड राइटिंग्स, कोई लिपि जो साक्ष्य के रूप में होगी उसको लिखित साक्ष्य के रूप में देखेंगे। पुरातात्विक साक्ष्य में उपकरण है, बर्तन है या फिर कोई गुहा लेख है, वो गुफाओं पे लिखे हुए लेख है या कोई, इस प्रकार से हम देखें तो ये सब हमारे पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत आएंगे। स्केलेटन है कोई इस तरीके से। अगर हम बात करें तीन जो भाग है या जो वर्ग है, पहले हमारा प्री हिस्टोरिक एज जिसको हम लोग प्रागैतिहासिक काल के नाम से जानते हैं, फिर हमारा आएगा ऐतिहासिक यानी आद्य ऐतिहासिक प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, फिर हमारा आएगा ऐतिहासिक काल हिस्टोरिक पीरियड। अगर हम बात करें प्रागैतिहासिक काल की तो कहते हैं लिखित साक्ष्य यहां पर नहीं है और पुरातात्विक साक्ष्य हैं, यानी यहां पर कोई रिटेन फॉर्म में कोई हमारे पास साक्ष्य नहीं होता है उसको प्रागैतिहासिक कहते हैं और पुरातात्विक साक्ष्य हमारे पास होते हैं। अगर हम बात करें आद्य ऐतिहासिक काल की तो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है, लिखित साक्ष्य भी हैं और इसके साथ साथ पुरातात्विक साक्ष्य भी हैं, लेकिन दोनों का उपयोग नहीं किया जा सका है, यानी कि इनके ऊपर लिखी हुई जो लिपि है उसको पढ़ा नहीं गया है आद्य ऐतिहासिक काल में। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो इंडस वैली की लिपि है उसको आज तक पढ़ा नहीं गया है। आद्य ऐतिहासिक काल में हम लोग ऐसे साक्ष्यों को देखते हैं जिनको अभी पढ़ा नहीं गया है और इसमें पुरातात्विक और लिखित दोनों साक्ष्य मिलते हैं। ऐतिहासिक काल की बात करें हिस्टोरिक पीरियड की तो लिखित एवं पुरातात्विक दोनों साक्ष्य मिलेंगे और इनका उपयोग भी किया जा चुका है। अगर हम बात करें प्रागैतिहासिक काल की तो प्रागैतिहासिक काल प्री हिस्टोरिक एज के अंतर्गत अगर देखें, इसके खोज का जो श्रेय है वो बेसिकली डॉक्टर प्राइम रोज को जाता है, इसीलिए भारत में प्रागैतिहासिक काल का जनक या प्रागैतिहासिक इतिहास का जनक हम डॉक्टर प्राइम रोज जो कि एक अंग्रेज है उनको मानते हैं। कहते हैं कि 1842 में एडी में जो है खोज की थी प्रागैतिहासिक काल की और जनक डॉक्टर प्राइम रोज को माना जाता है। डॉक्टर प्राइम रोज ने खुदाई करवाई थी कर्नाटक के रायचूर नामक जिले में एक लिंग शुगर नामक जो है आपका क्या है यहाँ पर लिंग शुगर नामक आपका क्या है बोली सर लिंग शुगर नामक यहाँ पर एक प्लेस है, यहाँ पर खुदाई कराई और वहां से पाषाण काल के उपकरण प्राप्त हुए और उनमें आपका पत्थर का चूरा है, तीर के फलक हैं, ये प्राप्त होते हैं, जिससे कि ये पता चलता है कि प्रागैतिहासिक काल के कुछ जो साक्ष्य हैं वो आपको कर्नाटक के रायचूर जिले के लिंगु सुगुरु नामक स्थान पर देखने को मिलते हैं। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। इतिहास को पढ़ने के लिए हम लोग तीन भागों में साक्ष्यों के आधार पर डिवाइड करेंगे, साक्ष्य दो होंगे लिखित और पुरातात्विक। लिखित के अंतर्गत लिखित तौर पर और पुरातात्विक में जो आपके उपकरण आवास गुहा लेख होंगे। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और आपका हिस्टोरिकल, इसमें लिखित साक्ष्य और प्रातात्विक साक्ष्य होंगे, लेकिन लिखित साक्ष्य नहीं होंगे, प्रातात्विक साक्ष्य होंगे। यहाँ पर दोनों होंगे लेकिन दोनों को पढ़ा नहीं जा चुका है, यहाँ पर दोनों होंगे दोनों को पढ़ा जा चुका है, इसलिए इस तरीके से हम चीजों को देखते हैं। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी।